इसलिए आप सब लोग आए, मैं आपका सबका धन्यवाद, और मेरी बस यही एक उम्मीद है कि सब लोग मिल करके हम लोग इसको चुनाव को जीतेंगे, और चुनाव जीत गए तो एक बात समझ लीजिएगा आप एमपी हो, बस इतना ही वादा कर सकूंगा। मैं अपने लोगों को ताकत का एहसास घर बैठे कराना जानता हूं। मैंने कल वहां था भागले गांव में, मैंने अच्छे एक बात बताओ ईमानदारी से, तुमने भाजपा के राज देख लिया, 10 साल हो गए, शोर बहुत मचा रहे तुम, 10 साल से भाजपा के साथ चिल्ला चिल्ला के चल रहे। अगर मेरे राज में जितना मजा मैंने तुम्हें दिलाया, अगर उसका 10% तुम्हें आ रहा हो तो मुझे वोट मत दीजिए बिल्कुल भी। उसका 10% पहले बात तो सही है। अब आपसे भी यही सवाल कर रहा भाई, ईमानदारी से बता दो अजय बाबू खड़े तुम, जब मेरे पे ताकत थी, जब मैं और अब मैं सरकार देख ली, बाबा रहे, सब कुछ रहे, लेकिन वो मजा आया क्या? जो ईमानदारी से बता देना, देखो पंचों में खड़े, ईमानदारी से बता दो, घर बैठे हुए ताकत का एहसास मेरे आदमी को होता है जब मेरे पास ताकत होती है, आने की जरूरत नहीं है, वहीं बैठे पता चल जाएगा कि हाँ इमरान के पास ताकत है मेरा आदमी। बताओ राजीव बाबू गलत कह रहा क्या? गलत कह रहा? आप सब लोग मेरे पुराने साथी हो, बताओ। तो इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आपका आभार, और इंशाल्लाह उम्मीद यह है कि इस आक्रोश को आप लोग वोट के अंदर तब्दील करेंगे। चूंकि देखो एक बात सुनो, वोट की कीमत जब है, जिसे हराना चाहो वो हार जावे और जिसे जिताना चाहो वो जीत जावे, तो आपके वोट की कीमत है। अब वोट खत्ते में डाल दो ना, हरा जिताने वाले आपको आप जिता पा रहे हैं ना, हराने वाले को हरा पा रहे, तो बीच में फायदा नहीं। तो वोट कारामत होगा जीत।